पूछ रहे हैं कि भारत लगातार पीओके पर बयान दे रहा है, कहीं ये असली हमले से पहले का ट्रेलर तो नहीं है। भारत की तरफ से लगातार पीओके पर आने वाले ये बयान पाकिस्तान को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से तोड़ देते हैं। कश्मीर करे और मैं ऑन रिकॉर्ड पहले आपकी शो में भी बोल चुका हूं कि पाकिस्तान जितना कश्मीर करेगा, जितने इंटरनेशनल फोरम्स पे कश्मीर रेज करेगा, भारत का उतना भला है। बस एक चीज मैं कहूंगा जो मुझे थोड़ा सा हैरानगी हुई, उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान के साथ कश्मीर के ऊपर बात करना चाहता हूं। 75 साल में स्ट्रॉन्गली रेजिंग द कश्मीर इश्यू। तो दोस्तों, आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, पाकिस्तान ने अभी हाल ही में आपने देखा होगा यूएन के स्टेज में फिर से वही रोना रोया, कश्मीर कश्मीर। हालांकि भारत ने पाकिस्तान का नाम लेना भी सही नहीं समझा। इससे आप समझ सकते हो कि भारत की क्या सोच है, पाकिस्तान की क्या सोच है। फिर भी राजनाथ सिंह ने इसके रिप्लाई में बहुत अच्छी बात बोली है कि कश्मीर पर फैसला होगा, कश्मीर पर फैसला होगा, पीओके पर फैसला होगा, फाइनल फैसला होगा, वो पीओके पर होगा। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। शरीफ ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया तो उनके पास कश्मीर के अलावा कोई और मुद्दा नहीं था। शहबाज शरीफ ने कहा कि कश्मीर मुद्दे का स्थायी समाधान निकालना चाहिए। अब पता नहीं शहबाज शरीफ कश्मीर के किस स्थायी समाधान की बात कर रहे हैं। बहरहाल शहबाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र महासभा से अपना भाषण देकर लौटे ही थे कि भारत ने बता दिया कि स्थायी समाधान क्या है। शहबाज का स्वागत भारत के रक्षा मंत्री ने पीओके पर अपने बड़े बयान से किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि एक ही अफसोस है, पीओके पर फैसला उसी समय हो जाना चाहिए था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बारे में फैसला 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ही कर लिया जाना चाहिए था। भारत ने अपने एक और बयान से पाकिस्तान में हलचल पैदा कर दी। भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र में भी पाकिस्तान से कहा गया है कि कश्मीर पर अब सिर्फ पीओके पर ही चर्चा बाकी है और पाकिस्तान को अब पीओके खाली करना होगा। यहाँ आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं, पाकिस्तान अब जब कश्मीर का मुद्दा उठाता है तो कोई भी उसे गंभीरता से नहीं लेता। पाकिस्तान हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर कश्मीर का राग अलापता है लेकिन उसे हासिल कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि अब कई बड़े मुस्लिम देशों ने कश्मीर के मुद्दे से खुद को अलग करना शुरू कर दिया है। संयुक्त अरब अमीरात ने तो कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के भारत सरकार के फैसले का समर्थन तक कर दिया था। अब तो खुद कश्मीर की आम जनता भी पाकिस्तान और अलगाववादियों को नकार चुकी है। लेकिन जब भारत पीओके का मुद्दा उठाता है तो उसका असर काफी ज्यादा होता है। आपको पता ही है कि पीओके बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाकों में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध चल रहा है। इन सभी इलाकों के लोग पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लगातार विद्रोह कर रहे हैं। कई बार तो पीओके और बलूचिस्तान के लोगों ने भारत से मदद भी मांगी है। ऐसे में जब भारत पीओके पर बयान देता है तो उसका काफी बड़ा असर होता है। कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भारत लगातार पीओके पर बयान दे रहा है, कहीं ये असली ना कशकोल लेके, अगर बिलावल भुट्टो जरदारी या शहबाज शरीफ साहब कशकोल लेकर जाएं, इमरान खान कशकोल लेकर जाएं और फिर बोले कश्मीर, तो लोग कहेंगे यार सुनो, हम एक तो तुम्हें पैसे दें, ऊपर से कश्मीर के बारे में बकवास भी सुने, यार दोनों चीजें नहीं हो सकती। यू सी, तो आज की तारीख में इंडिया के लोग क्यों सुनते हैं? क्योंकि इंडिया पॉलिटिकली स्टेबल है और इकोनॉमिकली भी स्टेबल है, वाइब्रेंट है इकोनॉमिकली, तो लोग सुनते हैं। ये तो सीधी सी बात है ना, सीधी सी बात है। अर्जुन जी, इनके पास कोई चॉइस नहीं है और कोई टॉपिक नहीं है, किसके बारे में बात करेंगे? थोड़ा बहुत बात कर लेंगे कि बाढ़ आ गई है, क्लाइमेट चेंज के बारे में तो उन्होंने बोलना ही बोलना है क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई है। दूसरी चीज, दे विल टॉक अबाउट कश्मीर, दे विल, इनकी मजबूरी है और यही मजबूरी भारत को बहुत फायदा दे चुकी है। क्योंकि कश्मीर पॉलिसी, एक तो पाकिस्तान की कोई कश्मीर पॉलिसी है नहीं, दूसरी चीज है कि ये समझते हैं कि बयान देके इनकी जिम्मेदारी कश्मीर पर खत्म हो जाती है। आप समझ रहे मेरी बात? इन्होंने बयान दे दिया, ये जाएंगे बयान दागेंगे, दुनिया देखेगी नहीं, दुनिया इग्नोर करेगी, पाकिस्तान में हेडलाइन में हो जाएगा ही वेरी स्ट्रांगली रेजेस द कश्मीर इश्यू, सारे पाकिस्तानी खुश हो जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। 75 साल में स्ट्रांगली रेजिंग द कश्मीर इश्यू 1500 बार हो चुका है और कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसमें 3 बार जाके पाकिस्तानियों ने ना बोल दिया हो कि कश्मीर हमारा है। अभी तक 1 इंच जमीन मिली तो हम, इनका तरीका ही गलत है। इनका जो पाकिस्तानी एस्टेब्लिश या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं, जो आपकी गवर्नमेंट है, उसका तरीका
उनको कश्मीर का कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जब हम वापस आए मुल्क में तो हमारा लोग खून ना पिए कि साहब आपने कश्मीर का मुद्दा रेज नहीं करा। तो ये जिसको कहते हैं ना एज अ फॉर्मेलिटी, ये हाथ धोने के लिए कश्मीर बोल देते हैं एक बार कि कश्मीर का, देखिए कश्मीर में ये हो रहा है, बड़ी ज्यादतियां हो रही हैं और जो इंडियन आर्मी है वो गड़बड़ कर रही है और फलाना इंडियन गवर्नमेंट ने ये कर दिया, इनके हुकूक छीन लिए और ये सब। ये अपना एक सेट स्क्रिप्ट है, यही स्क्रिप्ट ये 1956 में बोल रहे थे, ठीक है, 1976 में भी यही स्क्रिप्ट बोली है, 1996 में भी ये स्क्रिप्ट बोली, 2006 में भी, इनका इनकी स्क्रिप्ट नहीं बदली है, इट इज द सेम एग्जैक्ट स्क्रिप्ट एक्सेप्ट इसमें 370 जोड़ गया, कुछ नहीं। जुल्फिकार अली भुट्टो भी यही बोलता था, एग्जैक्टली द सेम, उसकी बेटी ने भी वही बोला। अब उसका जो उसका पोता है जुल्फिकार का या जो नाती है उसका जो भी है, अब वो नवासा भी, बिलावल नवासा वही बोलेगा वहां पे जाके जो जुल्फिकार अली भुट्टो ने यूएन में बोला था, सेम उसका नवासा जो है वहीं पे जाके वही चीज तो बोलेगा। तीन जनरेशन से यही बात बोल रहे हैं, मगर बात तो आप लोग भी कश्मीर की करते हैं। जो पाकिस्तान के पास जो हिस्सा है वो तो बार बार आपके यहाँ से भी कहा जाता है कि हम ले लेंगे गिलगित बल्तिस्तान भी ले लेंगे और हम ये आजाद कश्मीर भी ले लेंगे, और एक इंच तो अभी तक भारत भी नहीं ले पाया, कहा यह जाता है यहाँ पर। आरजू जी ऐसा है, किसी ने नहीं बोला भारत से, ये जब इंडिया में बातें होती है ना इंडिया में तो किसी मंत्री ने अपना कमेंट दिया, आपने कभी देखा है हमने कभी बोला हो किसी वर्ल्ड बॉडी में जाके यूनाइटेड नेशंस में हमने बोला हो कि हम कश्मीर ले लेंगे? जिसको करना है उसको बोलना क्यों है? क्यों बोलना है उसको? देखिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बता दीजिए कि मोदी जी कब गए हो और कब जाके यूनाइटेड नेशंस पे या किसी और मुल्क पे जाके उन्होंने ये बोला हो कि हम कश्मीर वापस ले लेंगे, आप एक स्पीच बता दीजिए किसी की। नहीं मैं टीवी टॉक शोज की बात कर रहा हूं। अरे टीवी टॉक शोज, तो टीवी टॉक शोज को आप कहां टीवी टॉक शोज पे थोड़ना, वी आर टॉकिंग पॉलिसी। ओके टीवी टॉक, देखिए टीवी टॉक शोज पे क्या होता है कि टीवी टॉक शोज पे लोगों के ज्याती बयान होते हैं और उन लोगों के बयान होते हैं जिनका कोई अथॉरिटी नहीं है, वो अपने एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया वो अपने यू नो कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो अपना बयान दे रहे हैं जैसे पाकिस्तानी टॉक शोज में अपने बयान देते हैं। हम उनके बारे में बात नहीं कर सकते, हम तो मुल्क की पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। अगर कोई इंडियन मिनिस्टर या कोई इंडियन उसने जाके किसी फॉरेन कैपिटल में जाके ये बोला हो कि हम कश्मीर के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे और हम कश्मीर हासिल कर लेंगे, नहीं, हमने आज तक नहीं बोला, वी हैव नॉट सेड इट। अर्जुन जी मैंने कभी नहीं बोला कश्मीर को छोड़िए आगे बढ़िए, मैं तो चाहता हूं कि पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर करे, और मैं ऑन रिकॉर्ड पहले आपकी शो में भी बोल चुका हूं कि पाकिस्तान जितना कश्मीर करेगा, जितने इंटरनेशनल फोरम्स पे कश्मीर रेज करेगा भारत का उतना भला है। मैं दो मिनट में समझा देता हूं ऐसा क्यों है। अर्जुन जी बात यह है कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जाए, पाकिस्तान एससीओ में जाए, पाकिस्तान कहीं पर भी जाए, जब पाकिस्तान कश्मीर की बात करता है या पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात करता है तो उस वक्त पाकिस्तान पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा होता। मैं तो चाहता हूं, मैंने कभी ये नहीं बोला कि आप कश्मीर को छोड़िए, मैं सिर्फ एक 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 सलाह के तौर पे मैंने बोला कि अगर मैं पाकिस्तानी होता तो मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करता, मैं कश्मीर पर फोकस नहीं करता, मैं एजुकेशन हेल्थ केयर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस करता। ये मैंने आपकी शो में एक बार बहुत पहले बोला था, लेकिन मैं एज एन इंडियन, वो तो मैं अपने आप को उन शूज में डाल के उस लहजे से बोल रहा था, तरीके से बोल रहा था, लेकिन अगर एज एन इंडियन मैं चाहूं, मैं तो चाहता हूं कि आपके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, आपके शहबाज शरीफ साहब हैं, ये सिर्फ कश्मीर की बात करें। ये तो दोस्तों ये वीडियो यहां पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया की एंकर आरजू काजमी के साथ मेजर गौरव आर्या ने एक्सप्लेन किया, और स्टार्टिंग में एक क्लिप था जिसमें मैंने बताया आपको कि राजनाथ सिंह का जो स्टेटमेंट आया है वो काफ़ी एग्रेसिव है और बहुत अच्छा है, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। हालांकि राजनाथ सिंह ऐसे स्टेटमेंट पहले भी दे चुके हैं, बट ऑब्वियसली ऐसे स्टेटमेंट देना भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप एक रक्षा मंत्री हैं तो डेफिनेटली एक वार्निंग है, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो भारत का क्लियर मैसेज है कि हम भैया पीओके को लेकर ही बात करेंगे, पक कश्मीर में और कोई बात नहीं होगी। तो अच्छी बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, भारत के रक्षा मंत्री हैं वो। तो भारत का रक्षा मंत्री अगर ये बात करता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान इसको लेकर चिंता व्यक्त करेगा, और देखते हैं रिएक्शन कब आते हैं, उनके रिएक्शन आएंगे तो डेफिनेटली उस पर वीडियो भी डाले जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कश्मीर को लेकर। कश्मीर को लेकर आपने देखा क्लिप में बात हो रही है कि 1971 में ही फैसला हो जाना चाहिए था, अगर पीओके आज हमारे पास होता, पीओके हमारे पास होता तो डेफिनेटली हम बहुत ज़्यादा
ज़्यादा आसानी से सेंट्रल एशिया तक पहुंच जाते थ्रू अफगानिस्तान। अभी हमें सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए करना क्या पड़ता है, मुंबई से पोर्ट बनाया है हमने, चाबहार, चाबहार से ईरान, ईरान से अफगानिस्तान, फिर सेंट्रल एशिया। सोचो आप कितना बड़ा मतलब ये दिक्कत हो रही है। यहाँ से हम जाएँ सी, फिर ईरान से हमने वहाँ रेलवे लाइन बिछाई, फिर रेलवे लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान तक पहुँचेगी, अफगानिस्तान के बाद फिर सेंट्रल एशिया। यहाँ से सीधा POK से सीधा अफगानिस्तान बॉर्डर टच करते हम, डायरेक्ट अफगानिस्तान निकलते, फिर वहाँ से डेफिनेटली बहुत ऐसा एरिया है कि वो मतलब ऊंचा नीचा एरिया है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर ऑब्वियसली प्रॉब्लम होती रूट बनाने में, बट इम्पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आज के समय में जब भारत इतने बड़े बड़े दुनिया के रेलवे ब्रिज बना रहा है तो ऑब्वियसली हम वहाँ रास्ता बना लेते, हमारे लिए नामुमकिन नहीं था। होता तो डेफिनेटली आज हम सीधे सेंट्रल एशिया तक पहुँचे बिना पाकिस्तान के, पाकिस्तान से फिर हमें बिल्कुल भी बात करने की जरूरत ना पड़ती। तो आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे